स्वागत है बच्चों आप सभी का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के वीडियो में। तो आज हम लोग क्लास टेंथ के साइंस का मोस्ट इम्पॉर्टेंट 10 ऑब्जेक्टिव्स को देखेंगे। आप लोग एक एक करके सभी 10 को रट जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नंबर एक में एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, तो ये आपका देखिए हो जाएगा एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, तो ये आपका हो जाएगा ऊर्जा का वाहक, ऊर्जा का सिक्का और ऊर्जा का संग्राहक। तो इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और जन भी चाहिए, क्लोरोफिन भी चाहिए, सूर्य का प्रकाश भी चाहिए, तो ये भी आपका हो जाएगा डी इनमें से सभी। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है, तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है, ऑप्शन नंबर सी। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है, तो बच्चों शुक्राणुओं का मोचन जो होता है ये आपका शुक्रवाहिका में होता है, ऑप्शन नंबर बी शुक्रवाहिका, ऑप्शन नंबर बी। ओजोन परत कहाँ पाया जाता है, तो ओजोन परत जो आपका पाया जाता है ये आपका हो जाएगा वायुमंडल के ऊपरी सतह में, ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे चलते हैं। अनुवांशिक गुणों का संदेश होता है, तो देखिए अनुवांशिक गुणों का संदेश आपका होता है डीएनए के अणुओं में। एक नर हार्मोन है यानी एक मेल हार्मोन है, तो देखिए मेल हार्मोन जो आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन नंबर डी। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है, तो देखिए शुक्राणु का निर्माण जो होता है ये आपका वृषण में होता है, ऑप्शन ए 77 का ऑप्शन है। किस वैज्ञानिक को अनुवांशिका का पिता कहा जाता है, अनुवांशिकी का पिता, तो अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल, ऑप्शन नंबर बी। एक कोशिकीय शैवालों में जन का परिवहन होता है, तो देखिए एक कोशिकीय में होता है आपका विसरण के द्वारा। आगे चलते हैं। मछली के हृदय में कोष्ठ की संख्या कितनी है, तो मछली के हृदय में 2 कोष्ठ होता है। अगर आपको पूछे कि मनुष्य के हृदय में कोष्ठ की संख्या कितनी है, तो मनुष्य के हृदय में कुल 4 कोष्ठ होते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।